आप अंदर आ सकता हूँ? खुदा, आप आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको जिसके लिए घर आना पड़ा? वो तुम क्यों आए हो यहां पर? अरे हमारी इज्जतों के पीछे क्यों पड़े हो यार तुम? तुमने बुलाया इसे? ऑफिस क्या काफी नहीं था जो मुलाकातों के लिए घर में भी? अरेस्ट? क्या बात कर रहे हो? इनफ इज इनफ। हाँ तो शहीद अहमद, मैं भी यही कह रहा हूं कि बस अब बहुत हो गया है। अरे जान छोड़ दो यार हमारी, तुम कितना खेलोगे हमारी इज्जतों के साथ? तुमने अपनी मॉम को भेजा था ना इससे शादी करने के लिए? बुलाओ काजी को, अभी इसी वक्त इससे निकाह करो। अरे हमारी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई अब। हारिस, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? अपनी बहन के बारे में बात कर रहे हो तुम? और ऐसी बहनें नसीब वालों को मिलती है, प्लीज काम डाउन यार। कि लेक्चर देना बंद करो और सिर्फ इस बात का जवाब दो कि शादी करोगे से या नहीं। क्या हो, डर गए? बस इतना ही सीरियस हो इससे? अरे बस उदा से मैं अभी इसी वक्त शादी करने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा का राजी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इस मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ रिश्ता जोड़ना नहीं होता, दिल जीतना भी जरूरी होता। खुदा का रिश्ता मुझसे जुड़े या ना जुड़े, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इनका दिल जीत सकूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फलसफे झाड़ोगे और मुझे इंप्रेस कर लोगे? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंप्रेस करने की। तुम पूछ लो उदा से, अगर हुदा राजी है तो मैं अभी के अभी शादी करने को तैयार हूँ। बुलाओ काजी को। और मेरा जवाब ना है। तुम अगर दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। सुना तुमने? मिल गया तुम्हें जवाब? मिल गया। तुमसे बस इतना कहूंगा कि इसके साथ उतनी ही ज्यादती कर, इसके लिए कल तुम्हें पछताना होगा। सोचना इस बारे में।